आज कांग्रेस के विपक्ष भूमिका तो मेरा मंडराती है कि भाजपा का देखो कांग्रेस ही है, कांग्रेस ही बुलाओ प्रोग्राम है, मैं किसका कांग्रेस हूँ किसका बात बात। श्याम शराब ने आज तक अपने घर पर कभी तिरंगा नहीं लगाया, आज जो तिरंगा लेके मिल रहा है आज तक भी इसके घर पर तिरंगा नहीं। आप लोग कमजोर कैंडिडेट खड़ा खड़ा करते तो हर बार कांग्रेस से छोटे काशी के लिए विधानसभा के लिए ऐसी कोई बात नहीं है। वाटर बक्स वैसा मड्डू इतना काम करा फिर भी एमएलए एमपी हार गया, फिर कारण क्या मानो उसका कारण क्या कि थारे बीच में करे कि कांग्रेस कमजोर हो जाए कितने आप टाइम वोटा का टाइम आवा है तो आप निर्दलीय एमएलए फार्म करो वो पार्टी के साथ रहो तो खुल के बताओ। थक लिया शहर के लोग बोले कि यार तू कांग्रेसी है, आई बात शहर के लोगों ने मेरा आरोप लगा दिया तू कांग्रेसी है, तू हमारा सवाल कौन करे। 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान पे खेल के इस देश को आज़ाद करवाया और हमें खुली सांस में जीने की आज़ादी मिली। इस स्वतंत्रता दिवस की मैं पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, मैं अजय और भाई कई बारी मेरी वीडियो पर कमेंट आवे कि यो कांग्रेसी है, कांग्रेस की भाषा बात करे है और भाजपा से सवाल करे है, वैसे ही बोले कि क्या आवे। तो आज मैं जहाँ बैठा हूँ जहाँ मैं खड़ा हूँ वो दुर्भाग्य होगा हरियाणा का देश का जो इस कोठी के बारे में वाकई नहीं होगा, क्योंकि ये वो कोठी है जिसने अपना टंका भी और लोग चने जब आए हों चाहे वो कोई भी गलत काम करने वाला हो बंसी लाल की कोठी के अंदर और शहर का विपक्ष और ये जी और ये सुंदर जी और ये जल्दी पसंद पता नहीं काम किस लेकर है भाई ये नजारा होता था जो आज हरियाणा के शाम रहे उनका ये नज़ारा था कि ये कोई पता नहीं क्या थे, बस थे वो अपने आप में ही गरिमा थे। तो आज मेरे साथ जुड़ गए मड्डू भाई, अच्छा जी कृष्ण ले गया जी और दिलबाग भाई और हमारे कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशित है अब की बार के अमर सिंह अलवासी ग्रुप में। तो सबको नमस्ते, तो भाई भाई नमस्ते। नमस्ते भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक। मड्डू शहर एक आवाज़ उठ रही है शहर में, विपक्ष नाम की चीज़ बोली जो ठंडा की था है। देखो ऐसा है जो शहर के अंदर ये कह रहे हैं विपक्ष नाम की चीज़ नहीं, वो लोग बीजेपी वाले कह रहे हैं क्योंकि हमेशा ऐसे करते रहेंगे। शहर में नहीं पूरे हरियाणा में विपक्ष खड़ा हुआ है और भिवानी में तो खास कर किरण चौधरी और स्मृति चौधरी के नेतृत्व में हमेशा पार्टी के प्रोग्राम होते रहते हैं। अभी भी हमने 9 तारीख को जो उनके दिशा निर्देश पर बहुत बड़ा एक प्रोग्राम किया महंगाई के ऊपर और खास उस दिन किया जिस दिन महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन जो अंग्रेजों के खिलाफ छेड़ा था। काशी के लिए आप वोट राजनीति नहीं करते हो ये बताएं। देखो ऐसा है हम कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, अब हम कोई भी काम करेंगे तो उसमें कांग्रेस दिखाई देगी, अब उसको चाहे आप वोटों से जुड़ी जोड़ लो और चाहे समाज सेवा जोड़ लो, वो तो हमारे ऊपर लांछन लगना है लगना। हम कोई भी काम करेंगे अगले तो वोटों के लिए कर रहे हैं और उसमें कोई दोराय भी नहीं, हम कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, कांग्रेस को वोट चाहिए, वोट डालेंगे जब कांग्रेस जीतेगी। तो चलो वोट सवाल नहीं हुआ कहिया ले लूँगा सवाल लंबे चल गया बेटी को किस लेगा से एक सवाल तो मेरे पास प्रॉब्लम वास्तव में शहर के अंदर आवाज़ है कि विपक्ष नाम की चीज़ बोली है ये हो आप ये देखो किरण चौधरी हमेशा सदन में हर शहर की आवाज़ उठाती है, आप रिकॉर्ड कटवा के देखो चाहे वो पानी का हो चाहे किसी का चीज़ का हो हर बार मुद्दा उठाती है। यहाँ धरने प्रदर्शन कितनी बार होने लग रही है, किरण चौधरी स्मृति चौधरी के सारे वर्कर जाके आवाज़ उठाते हैं, कुछ लोग कहते होंगे शहर की आवाज़ बनी है। तो अमर सिंह जी नमस्कार, आप विधायक सीट के दावेदार थे कांग्रेस के अंदर, आप दोबारा दावेदार है तो विपक्ष को दिक्कत कहाँ की है? ऐसा है विपक्ष किस चीज़ को मानते हो आप? आपकी भूमिका विपक्ष मानता हूँ विपक्ष हमारी हमारी भूमिका एक महीने में तीन तीन प्रोग्राम कांग्रेस के होने लग रहे और जबरदस्त भीड़ होने लग रही तो और विपक्ष का क्या काम? विपक्ष का काम है विरोध की आवाज उठाना, विरोध की आवाज हम पूरी तरह से छोटी काशी की दशा बड़ी खराब हो रही है, दशा खराब उठाओ को आवाज उठाई है विधानसभा के अंदर किरण चौधरी जी ने हर बार पानी की समस्या रोड की समस्या विधानसभा कार्रवाई उठा के देखो विपक्ष का काम
किरण चौधरी जी पूरी तरह से विधानसभा उठाते। अरे सर दौड़े पैर का शौक है, त्रातल जाके देखो भी वो आपकी छोटी त्रातल में देखे त्रातल में देखे कहीं भी निकलने के लिए जगह नहीं, चार आंगन बंद हो जाए तो भी नहीं निकल सकते। दौड़े पैर गए बैठ गए अनशन बैठ जाओ कहते ताकि विपक्ष साथ वो भी आ जाएंगे। अनशन का टाइम होगा तो अनशन में बैठेंगे, हम सारे काम करेंगे। अरे विपक्ष का काम है, विपक्ष की भूमिका हम पूरी ईमानदारी से निभाने लग रहे हैं। ये तीन कैसा हो गए बने आप उनसे पूछ नहीं गड्ढे क्यों नहीं भरे जा रहे। किरण चौधरी जी मंत्री थी, शहर के लोग बोले कि यार तू कांग्रेसी है, आई बात सुनो। किरण चौधरी जब मंत्री थी पब्लिक 1400 करोड़ रुपए के सारे शहर के अंदर पानी का सीवरेज का प्रबंध किया, यहाँ पानी शहर को दो हिस्से में बांटा, आधा दो सात टैंक बना रखे ये आपने देखे होंगे, इन्होंने कभी एक टैंक पानी के लिए बनाया है। अच्छा। ये टैंकरों में पानी लेने लग रही है, ये किरण चौधरी जी की मेहरबानी है जो सारे शहर में सप्लाई पानी की होगी। इन्हें एक भी नया कोई बढ़ाया बताओ आप, और जब ये नहीं होगा हम विपक्षी भूमिका निभाने लग रहे, आगे भी निभाएंगे जब तक इनकी हमारी सरकार नहीं आएगी। हम इसी चलो अमर सिंह जी पूरा माना ये सवाल उनसे करता हूँ, पांच सवाल आप करो करो पांच वो बता दो आंदोलन जो आपने दो तीन महीने के अंदर करे पांच। 9 अगस्त को किया, 9-10 3 दिन पहले जबरदस्त था अगस्त के अगर पेट्रोल डीजल महंगाई पेगासस जो विपक्ष को दबाने जो कोशिश की जा रही पेगासस का जो हम उठाने लग रहे पिछले हफ्ते 7-10-15 3 लगातार हमने वो किए, 7 का था 10 का था 15 का था 3 प्रोग्राम हमने डीजल पेट्रोल पंपों पर हमने ये हस्ताक्षर अभियान चलाया। अब देखो श्री हमने तो हर महीने दो दो तीन तीन प्रोग्राम तो देखो के आपका आपको बुलाएंगे आपको आपको पहली सूचना देंगे आपको बुलाएंगे फिर देखो आप लोग थप्पड़ लगा ला रहे तू कांग्रेस ही है कांग्रेस में बुलाओ ऐसा है। आप कोई आदमी का बात कह जाओ आप उसका क्यों मानते बुरा, उनका काम है कहना। आप सुनो अनुभव जो सूम है इंसान भी और कांग्रेसी भी तो माननीय घनश्याम दास जी मिल लो ये हाल करते छोटी कैसे करवा दिया आंदोलन करते रहोगे घनश्याम दास जी कसूर क्या जब बिना काम उसको वोट मिलने लग रहे 3 बार बन गया ना लगातार 2 बार जो बनाया उसको क्या काम किया लोग फिर भी क्यों अमर सिंह जी छोटी काशी के लोगों से नाराज हो या फिर दशा को नाराज हो शहर के ना लोगों से नाराज लोग तो डेमोक्रेसी में लोगों से क्या नाराज किया नाराज के लोग लोगों चले क्या तुम ना ना वोट तो दिए उस तो आप काम करोगे ना 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 ये नहीं करे मैं उससे भी तो सवाल पूछू ना जो 3 बार बन लिया अब घड़े क्यों नहीं ये दबा रहे ये खड़े खोदन के लिए बने बीजेपी वाले रिपेयर के लिए नहीं बने इन्होंने खड़े खोदे हमेशा ये आरएसएस के ऊपर चलते हैं इनका आरएसएस का तो मुखिया था वो अंग्रेजों से माफी मांग के आया था तो आप भी तिरंगा यात्रा निकाल दो विपक्ष दिख जाएगा देश के अंदर यात्रा तिरंगा 15 अगस्त का तिरंगा यात्रा का सम्मान करते सब इनका ये कर लाए हमने कोई विरोध किया कर दिया 115 तक अलग अलग काम करेंगे आप मानते नहीं है क्या इन्होंने नाराज दिया अब की बार भाजपा नाराज दे दिया तिरंगा यात्रा में तो नाचे भी हैं गाजे भी हैं बाजे भी हैं कि तिरंगे सम्मान में भाजपा दरअसल पे उसका एक कारण था कि गांव में शहरों में इन्हें घुसने नहीं देते लोग इसका सहारा लेके घुसने की कोशिश कर रहे हैं बाकी कुछ को ना ये कोई फौजियों हक में न पब्लिक के हक में उन्होंने एक बयान दिया था किसी बयान ने सर किसी गाँव और शहर में घुसने के लिए आप एक बताओ आऊंगा आप जब सुक्ति चौध एमपी थी किसी ने उसको ज्ञापन दिया को जाके धरने प्रदर्शन किए वो नेता थी उसको पता था भिवानी में किस चीज की जरूरत है मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी एक मिनट में करा के लिए वो लोग आम के लिए आए हैं वो खुद आपको पता है वो रिपोर्ट की बात है ये तो रिपोर्ट की बात है इन्हें खाली जाओगे आप एक बताओ किसी भी एक आदमी ने किरण चौधरी को जाके ज्ञापन दिया था ये हमारे वाटर बस बनाओ पता था कि सीवर की पानी की दिक्कत है नेता सीधी हर चीज का उसमें पता था गली के सीवर के सारी व्यवस्था करी एक गली के आदमी को जाके किसी ने ज्ञापन दिया और बताओ राज लग गया को नहीं कि थारे बीच में करे कि कांग्रेस कमजोर हो जाए कि कितने कितने आप टाइम वोटा का टाइम आवा है तो आप निर्दलीय एमएलए फार्म करो हो पार्टी के साथ रहो हो तो स्कूल की बताओ ऐसा है पार्टियों में आना जाना रहता है 10 आदमी 100 आदमी तो कांग्रेस से बीजेपी में गए बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हो आप तो हर बार सुनो हर बार कब कहते हो दफा कब लड़े निर्दलीय आप कब लड़े पिछली दफा कब लड़े मैंने 2009 में लड़ा था अच्छा तो वो एक बार कर ले क्या होगा एक बार दुनिया ने किसी ने मैंने निर्दलीय लड़ लिया किसी ने उससे भाजपा से लड़ लिया किसी ने कांग्रेस से लड़ लिया किसी ने उससे बीजेपी से लड़ लिया किसी ने एलजेपी से लड़ लिया
लड़ लिया सबने, हमने लेकिन लोकतंत्र है, हमने 2009 में लड़ा था, उसके बाद हम नहीं लड़ते। और रही बात आपकी तिरंगे वाली, सुनो बता भाई, तिरंगा यात्रा जो तिरंगा है ना वो देश का ध्वज है और उसको सब मानते, हम भी मानते वो मानते हैं, लेकिन जो भी चीज इस देश की है ना बीजेपी पहले ही उसको अपना लेती है। हनुमान हमारा, राम हमारा, अब अगर बीजेपी से पूछो तो राम का इनका क्या मतलब, हनुमान का इनका क्या मतलब, उसके असली वंशज तो हम है। थाने गोद लिए, आप अगली सुनो, थाने गोद लिए, आप कोई अब बात तो सुनो, हमने गोद ले रखे हैं। और रही तिरंगा की, अगर ये तिरंगा का इतना बड़ा सम्मान करते हैं कि नागपुर में जो आरएसएस का दफ्तर है उसके ऊपर पहले तिरंगा लगाओ, उसके नीचे उसका लगाओ आरएसएस का, वहां भी तिरंगा नहीं लगा रखे उन्होंने। तिरंगा का अगर इतना वो करते हैं इज्जत, तो नागपुर का उस पर ध्वज फहरा जाए तिरंगा, जब हम इनकी बात माना तिरंगा सम्मान करते हैं। चलो सब, और दूसरी बात आपको यहाँ उसकी प्रोग्रेस की जी। और उसकी जो किरण चौधरी जब यहाँ पर वो रही मंत्री रही 9 साल तक, उसने शहर के अंदर 2400 करोड़ रुपए का काम करा पूरा, जिसमें शिवर की जो है लेमिनेशन शिवर के अंदर, जिसे पानी इधर उधर नारी से, और जगह जगह वाटर वर्क्स, वैसे मड्डू इतना काम करा फिर भी एमएलए एमपी आ गया फिर काम की मांग, उसका कारण क्या होता है, बता दो कारण क्या था। कारण कुछ नहीं रहा, क्योंकि पब्लिक में पब्लिक में एक आवाज और भी है भाई, या मैं नहीं बोले पब्लिक बोल रहा है छोटी का सी, वो हर बार कहते नहीं, आप खुल के बताओ सारी बात, जवाब दे। तो तुमने कहा कि आप लोग कमजोर कैंडिडेट खड़ा खड़ा कर देते हो हर बार कांग्रेस से छोटी का सी के लिए, विधानसभा के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है मैडम किरण चौधरी जो है, ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा करती, कैंडिडेट जितने मैडम चौधरी किरण चौधरी ने खड़े किए अपने आप में सब मजबूत थे, लेकिन एक समय की बात होती है, जनता ने कांग्रेस से मुंह मोड़ रखा था, उन्होंने वोट बीजेपी को दे दिया, सब इतने पैसे लगा दिए, मैडम ने सारे काम करा दिए, काम करवा दिए, फिर भी हार गए। बात सुनो, जनता क्या चाह रही थी, जो देश मोदी जो है ना, जो देश के अंदर एक राजनीतिक और जाति पाति धर्म इसके ऊपर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई इन्होंने एक बार लड़ दी, वो लड़ी गई, और एक बार जो कहते हैं ना भाई काट की हांडी एक बार चढ़ दी है, वो चढ़ चुकी है। भाजपा का सारे काम थाम करो, जाति पाति के सारे जाति पाति के भाजपा कर रही है खुद जाति पाति। आप तिरंगे की बात करते हो, राजस्थान हाईकोर्ट के नाम सिंह कबाब ने बनाया था, वहां तिरंगे की बजाय आरएसएस का झंडा लगाए, आरएसएस का झंडा मुख्यमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पहनाया, वो तिरंगा जब कहा था नागपुर में 52 साल में, अब ये सरकार में जब तिरंगा लगाया, पहले तिरंगा ही कब याद किया। चलो साहब, बातें नागपुर की नहीं, दूसरी बार घनश्याम शराफ ने आज तक अपने घर पर कभी तिरंगा नहीं लगाया, आज ये तिरंगा लेके आने लगा है, आज तक भी इसके घर पर तिरंगा नहीं है, और हमारे यहाँ आज भी तिरंगा है हर घर पे, मेरे गाँव में चलो दूरी आज भी तिरंगा है भाई। अधिकी बात है साहब, तिरंगा भी आपके पास है, और अच्छा बड़ा मजबूत कैंडिडेट तो पब्लिक का हाथ में थी, पब्लिक जब धनखड़ के 600 वोट दादरी जा रहे थे, आज वो इसका बीजेपी का प्रधान भी बन रहा था, मंत्री भी बन लिया, तो ये तो वो नहीं है। अमर सिंह जी, छोटे कैसी की विनती है आप लोगों से, कमेंट में आओ, कई बार लोग कहते हैं कि कह दो विपक्ष ने दगा दो, विपक्ष ने दगा दो, तो जाग जाइए प्लीज छोटे कैसी के लिए, क्योंकि छोटे कैसी अंदर त्राई त्राई हो रही है, छोटे कैसी की आवाज है मेरे कमेंटों द्वारा। अरे आप कब नहीं किया आप, या हमने तो इतने प्रोग्राम रखे कांग्रेस के, आप महीना में 1-2 प्रोग्राम हो ही जाता है, हर महीना कांग्रेस का 1-2 प्रोग्राम हो जाता है, ऐसा कोई महीना नहीं जिसमें कांग्रेस का प्रोग्राम ना होता, भी वो नहीं होता हूँ। अब किसानों के देख लो आप तो टोल पे खूब रहे ना, आप तो टोल पे मेरे ख्याल लगातार 2-3 महीने रहे, बीजेपी वालों क्या करे किसानों का बताओ, ये भूखे तिसाए बैठे हैं, आपने खूब इंटरव्यू ली है वहाँ। सर आज मैं छोटी काशी की बात करने आया था, छोटी काशी में अगर कोई भला कर सकता है श्रुति चौधरी, किरण चौधरी कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है, बीजेपी वाले ये लुटकी खा जाएंगे। आज देखो यूथ के साथ क्या करेंगे, किस भाई करेंगे, कुछ करेंगे, सत्ता मांग मुझे भी तो करेंगे, सत्ता मांगे आपकी बात किस तरह से आए प्रांत बता दो, क्योंकि छोटी का सियासत, आप शहर के अंदर जाओगे हर आदमी बीजेपी से दुखी है, दुकानदार हो चाहे कोई भी हो, आज 50 फ्लाइंग बना दी, कोई सीम फ्लाइंग को किमी, हर कोई छोटा दुकानदार है, उस पर 1 लाख का सामान है, 2.5 लाख का जुर्माना है। आज इधर शहर में स्थिति है कि एमसी है, एमसी के चेयरमैन को भाजपा के जेजेपी के एमसी जो भाजपा के चेयरमैन है उनको आरोप लगाते हैं, लेकिन विपक्ष इसकी बात कौन सा है,
हर कोई मुद्दे ठावा आम आदमी विपक्ष इस बात को कौन बोल रहा है। विपक्ष ये है कि थाके बस एक बार गाँव है और कोर्ट का जाके खड़ा देखे कि अपन कब से गायब हो जाए। ये सप्ताह शहर का मतलब भाई चर्चा है या नहीं है सेशन में। और किरण चौधरी पूरा मुद्दा उठाती है अभिमानी का, नगर परिषद का जो आरोप लगा ला रहे हैं उठाएंगे आपकी बात उठाओ बता दो। तो अभी तो कल ही तो हुई है, अभी कल मीटिंग हुई है, आज अखबार में आई है। इनकी मीटिंग तो हर बार होती है भाई, नहीं अभी 6 महीने में हुई, हर बार नहीं होती, 6 महीने मीटिंग हुई। अच्छा 6 महीने, हां 6 महीने मीटिंग हुई है और इनका कल बहुत बुरा आपस में लठ बजे है और वहाँ पर विकास की कोई बात नहीं की गई। पिछले मुद्दों के ऊपर चर्चा पे आपस में एमसी लड़ते रहे और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है छोटी काशी के लिए। जो हमारी छोटी काशी की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमेटी है वो जो है आपस में लड़ रही है, इसका कुछ मुद्दे को हम उठाएंगे। और रही दूसरी बात, कोरोना के जो पीक था ना, कोरोना का पीक टाइम में कोरोना में किरण चौधरी की टीम ने हमने और किरण चौधरी की तरफ से जो सामान भेजा गया उसको हमने जगह जगह विस्तृत किया, उसको जगह जगह बांटा गया भाई। और पूरी कोरोना के बीच में भाई साहब प्लीज रिक्वेस्ट आपसे, आप जागरूक तो हो, जागो भी हो, लेकिन ग्राहको ऊपर मन दिखला रहे हो, ये छोटी का सी विनती है आपसे। जी आपकी बात क्या कहेंगे कमेटी की आप करे हो, इसका मुद्दा मैडम किरण चौधरी ने उठाया था जब लोगों की पेमेंट भाई साहब आपकी भूमिका तो इस शहर के अंदर छोटी का सीधा मैं नहीं मानना सर। आज कांग्रेस की और विपक्ष की भूमिका तो मेरा मंडल रखी है, क्योंकि भाजपा कहते हैं कांग्रेसी है, कांग्रेसी बुलाओ प्रोग्राम है, मैं किसका कांग्रेसी हूँ, किसका बात बात मीडिया की बात अच्छी तरह मीडिया उठा सकती है। आपका धन्यवाद इस चीज के लिए। तो सारा अजय जी आप तीसरी मीडिया तीसरी आंख है ना प्रजातंत्र में, आप अपना फर्ज तो निभा रहे हो, आपके कमेंट अच्छे लग रहे ना, आप पब्लिक के लिए अच्छा कर रहे हो, तो हर आप भी तो देश के नागरिक हो, भिवानी के नागरिक हो, छोटी काशी के नागरिक आप भी बन जाओ। हम तो नागरिक हम तो करने लग रहे हैं, हम तो करने लग रहे हैं, आप परसों देखा नहीं कितना बड़ा दुरुस्त था। चलो तो ये थी कांग्रेस। अरे बताओ सुनो, किरण चौधरी जी जो करेंगे ना आगे भी वही करेंगे, इनके बस का कोई खड़े बढ़ना, आगे किरण चौधरी भरेंगे। और इस भिवानी का किरण चौधरी जी ने चौधरी बंसीलाल परिवार ने किया, उसके बाद भी भिवानी का कुछ हुआ भी नहीं है। चलो आगे देख लो, चौधरी बंसीलाल ने किया, फिर मैडम किरण चौधरी सुरेंद्र सिंह ने किया, किरण चौधरी ने किया, श्रुति तो और कौन सा बताओ आप उनसे, आप भिवानी के काम देख लो, एक तरफ चौधरी बंसीलाल परिवार के किरण चौधरी श्रुति चौधरी सुरेंद्र सिंह के देख, एक तरफ सारे देख लो तो भी बराबर नहीं है। रेस्ट हाउस देखो, टूरिज्म देखो, कॉलेज देखो, रेलवे स्टेशन देखो, सेक्रेटेरिएट देखो, नया बस अड्डा देखो, ये पॉलिटेक्निक कॉलेज देखो, कितने आज सुनो, आज आज सुनो, आज 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 12 साल तो मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी रहे हैं और मैडम जी भी राज में रही, मैडम जी ने भी जितना काम जो वाटर वर्क्स 5 अमर सिंह जी के लाए कितना काम किया, कितना सीवर का मड्डू ने बताया, ये ने बताया सारा सीवर का काम किया। आप एक ही ये 40 साल दूसरे रहे हैं, एक ईट भिवानी में दिखाओ आप, आप एक ईट नहीं, आप देखो उसकी बात मत करो, आप सुनो, आज राज में नहीं है, आज कांग्रेस राज में नहीं है, सुनने की भी क्षमता रखे प्लीज। भाजपा राज में कहते हैं कि हमने खड़ी गली करवा दी, भाजपा राज में कहते हैं हमने सुंदरीकरण करवा दिया, भाजपा राज में कहते हैं हमने सर को चकमा कर दिया, आप एक तरफ तो कह रहे हैं गड्ढे हैं, एक तरफ कर झांगला कमीशन था, अच्छा 40% कमीशन था, इसलिए उन्होंने थोड़ा बहुत वो करके करके कमीशन खा, उनका तो सीधा सीधा कमेटी में जाओगे बगैर पैसे कोई काम नहीं होगा। अच्छा एसपी ऑफिस में जाओगे आप बगैर पैसे काम नहीं होता, एसपी ऑफिस में जाओ तहसीलदार के जाओ बगैर पैसे कोई काम नहीं होता, बाहर दलाल बैठे उनको पैसे दे और काम करा। चलो चलो धन्यवाद आपका। तो यह थी भाई चौधरी बंसीलाल की कोठी के अंदर से आवाज, विपक्ष भी है, पक्ष भी, विपक्ष की भूमिका भी निभा रहा होते हुए और शहर के अंदर कहीं ना कहीं अपना दमखम दिखा भी रहे। अच्छी बात है, अगर विपक्ष होगा तो शहर के अंदर काम होंगे और मजबूती से आम लोगों की बातें सुनी जाएंगी। बात कड़ी भी थी, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, ये बात मैंने पूछ ली थी, कमेंट कई बार कमेंट आते हैं तो कांग्रेस की बात बात करता है, जो मैंने सवाल उनसे भी आज मैंने किए, अगर जो कोई बात पाने तो देख रहे हो कांग्रेस तो प्लीज ये वीडियो में सही आने और देखे जे एन सी में से अचानक कांग्रेस लगी खास रिपोर्ट।